चलो क्या जाएंगे दर्शन करेंगे तो अभी हम लोग जाएंगे दर्शन करने के लिए ठीक है जो सुनने वाला है वो भी जाएंगे दर्शन करने को तो ध्यान से सब कमान के विचार है कि हम जाएंगे महापुर बारा बड़ा माध्यम आता है कि कैसे सब लोग आते हैं महापुर को मिलने के लिए कौन कौन आते हैं शिवानंद सेन उनके बाल बच्चे के सहित तीन पुत्र को लेकर आते हैं और मोरार गुप्ता पुणर बीता नदी और कितने सौ सौ लोग सब लोग आते हैं वासुदेव दत्त और अनेक भक्त लोग आते हैं और सच्ची माता को प्रणाम करते हैं सच्ची माता को प्रणाम करने के बाद भगवान चैतन महाप्रभु दर्शन करने के लिए सच्ची माता से आशीर्वाद लेते हैं और बताया गया जब जाते हैं जाएंगे दर्शन करने के लिए हम बताते हैं कि कैसे सब जाएंगे दर्शन करने के लिए जाएंगे हाँ और बोलते कुलना ग्रामवासी लोग जाएंगे साथ में अद्वित अच्छा जाएंगे सब लोग एक साथ होते हैं जाने नित्यांत प्रभु भी बोलते मैं भी जाऊंगा क्योंकि नित्यानंद प्रभु को मना है ए तुम जाने का नित्यान्द आपको नहीं जाना है महाप्रभु बोले थे तुमको पूरी वहाँ पर नापद्वीप में रहना है लेकिन नित्यांत अंतरंग तो भक्त महाप्रभु के नित्यांत गौरंग के बिना एक सेकंड रह नहीं सकते इसलिए बोलते मैं भी जाऊँगा वो तो जबरदस्त करते हैं मैं मैं भी चलूँगा मैं गौरंग का बात मानूंगा नहीं मैं जाऊँगा महा मेरे प्रभु को दर्शन करने के लिए ये उनका भाव है दर्शन करने जाते हैं तो भक्तों का भावना देखो कैसे और जो जाते हैं यहाँ बताते हैं अनेक व्यक्ति जाते हैं शिवानंद सेना चले घाटी शिवानंद शिवानंद सेन जलता है और रास्ते में जाने के टाइम पे वो रहता है अलग अलग घाटी सम्बन्धन होता है मतलब ट्रेगेट रहता है तो ट्रे गेट में जो पैसा भरना पड़ता है ये करना पड़ता है तो शिवानंद सेन तो धनी व्यक्ति होने के नाते उसको काम करते थे देखभाल करते थे ले कर आते लेके जब आते हैं साथ में बताते हैं सब लोग लेके आते हैं सबका व्याकुल है मन में कि महाप्रु को देखना है महापुर को देखना, देखना है महापुर को देखना है देखो कितना होता है महापुर के प्रति रास्ते में चलते हैं और चलते हैं और जब रास्ते में चलते हैं नदी पर नदी के पर नदी गांव के गांव नदी के पर नदी गांव को गांव पार करके एक जगह आता है एक जगह पे सब पहुंचते हैं और वहां पे ये देश का बॉर्डर बॉर्डर पर पहुँचते बॉर्डर में पहुँचने के बाद वो बॉर्डर को चार्ज भरना पड़ता है कितना लोग जाते हो कितना लोग जाते हैं तो चार्ज भरेंगे चार्ज भरने के टाइम पे तो नित्यांत प्रभु ऐसे भक्त लोग आगे चल जाते हैं तो यहाँ पे शिवानंद चंद क्या करते हैं चार्ज भरते हैं क्योंकि भक्त का बेकुल है दर्शन करना है महाप्रभु को कितने बेकुलता है बोलते ना क्या होना बेकुलता होना चाहिए बेकुलता होना चाहिए एक भजन हम करते ना हमारे विशेष बेकुलता होना चाहिए बोलते ना कबे गौरव बने सुरधुन तटे

কান্দি ভেড়া বো দেহ সুখ নানা তরুতলে কান্দি ভেড়া বো দেহ সুখারি নানা লতা তরুতলে সপচ গৃহতে মাগিযা আো পি বরস্বতী জল स्वती जल कैसे भावना है? बोलते कभी गौरव मने सूरज हरा राधे हा कृष्ण बोले कब ऐसे दिन आएगा गंगा किनारे में जमुना किनारे में हा कृष्ण हरा राधे कृष्ण हरा दे ये विचार आएगा और मांग के खाऊंगा और कृष्ण कृष्ण बोलूंगा मेरी जिंदगी विदा दूंगा ये भक्ति की भावना लेकिन आजकल हमारे ऐसे भावना होता नहीं सबको संसार में हर एक व्यक्ति का विचार भावना क्या है कि भौतिकवादी जो व्यक्ति है जो संसार में रहता है संसार का, का हर एक चीज भोगन श्री कृष्ण का है ये सब असंविधम सर्वम लेकिन कृष्ण को न देते हुए न समझते हुए न याद करते हुए भोजन करता है वो क्या बोलता है उसे के व्यक्ति कैसे है निद्रया नक्कम बेबाया ने जवाब दीवार चढ़ती हो राजन कुटुंब भरने न सिर्फ रात को सोने में और संसारी कार्य में दिन में पैसे कमाने में व्यर्थ में समय भी जाता है, है? इसलिए बताते है मनो दुर्लभ मानव देह हे मन दुर्लभ मानव देह पाइया की कर भावना के हो की भैया कि के हो एबे न भजिले यो सुत एबे न भजिले यो सुत चरमे पढी बेला जे चरमे पढी बेला, बेला जे अरे चरमे पढी बेला जे

क्योंकि भजन नहीं करेंगे तो इसलिए यहाँ बताते देखिए कैसे उनका व्याकुलता भगवान की सेवा करने के लिए भगवान के भजन करने के लिए भगवान के गुणगान करने के लिए यहाँ शिवान सेन सब भक्तों लेके जाते हैं जब चलते हैं चलते चलते कहा गा गया घाटी समान घाटी का समय आया घाटी मतलब जो टोल नाका का पन्ना पड़ता है भरते हैं भरने के बाद एक जगह पे शिवानंद सेन रुक जाते बाकी सब लोग आगे जाके भक्त लोग आगे जाके रुकते हैं रुकने के बाद शिवानंद लेट हो जाता है लेट होने के नाते क्या बोलते हैं? देखिए बोलते हैं। सबे घी रही ग्राम भीतर वृक्ष शिवानंद बिना स्थान नहीं मिले सब लोग जाके गांव के जो पेड़ पौधा है वहां पर रुके शिवानंद आया नहीं आएगा तो सब रेडी लेके जाएगा बंदोबस्त करेगा

जो कि ब्रज के नंदन कृष्ण है वो कृष्ण बनते श्री चैतन्य महाप्रभु और जो बलराम है वो बनते श्री नित्यानंद प्रभु वो नित्यानंद प्रभु जो अनंत शक्ति का आधार है अनंत शेष है अनंत फौण है अनंत शक्तियाँ है अनंत कार्य से अनंत अनंत है अनंत जिसका अंत नहीं है वो भगवान की सेवा करने के लिए हमेशा लड़ाई थी हमेशा भगवान की सेवा करने के लिए लड़ाई थी नित्यानंद प्रभु यहाँ पे एक बिल्कुल एक एक सिस्टम दिखाएंगे कैसे नित्येंद्र प्रभु जो है आदि गुरु है आदि गुरु होने के नाते वो दर्शन दिखाना चाहते हैं अगर गुरु नहीं सिखाएगा तो कौन सिखाएगा जैसे माँ अपने बच्चे को और जैसे माँ का, का लड़की है और लड़की को मम्मी को मम्मी अगर लड़की को कुकिंग रसोई वो सब नहीं सिखाएगा तो बेटी सिखाएगी कैसे तो अपना बिजनेस के लाइन या पढ़ा लिखा के लाइन सिखाया गया नहीं कौन सीखेगा उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य को नहीं सिखाएगा कौन सीखेगा सीख नहीं सकते उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु आदि गुरु जी हम देख सकते हैं हमारे गुरु महाराज लोग वो इतना उम्र होने के बाद भी मंगल इतनी बात है जैसे हम देखते हैं हमारे परम पूज्य हिजुल गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज वो उनका उम्र कितना है अब कितना उम्र है 75 75 सेवेंटी होने के बाद भी आके मंगल आरती करते हैं आरती उठाते हैं जाके हाथ में दरोज है तभी भी ये आरती करेंगे चामोर हिलाएंगे चामोर हिला नहीं पता मैं हिलाऊंगा क्यों वो दिखाना चाहते हैं कि कैसे हैं हम मैं गुरु हूँ भगवान की कैसे सेवा करना है सिखाना चाहते दूसरी प्रकार गुरु होने के नाते सब सिखाना चाहते हैं इसी प्रकार नित्व गुरु है नितंभ तो आदि गुरु है जगत गुरु है पतित्व भाव है हं बंद करो है ना ह नितन आदि गुरु है आदि गुरु होने के नाते वो सिखाना चाहते हैं कि कुछ सिखाएंगे इसके माध्यम से सत्य बताया गया जो कृष्ण करते अच्छे के लिए तो उसमें कुछ सिखाएं क्या सिखाना चाहते हैं उनको देखा मेरे लिए बंदोबस्त नहीं किया यहां पर देखिए कैसे बोलते नितन प्रभु भूखे बेकुलो शिवानंद शिवानंदी पारे नित्यान भूख भुग लग गया और जाके पेड़ के नीचे बैठे हैं और शिवानंद सब बंदोबस्त कर रहे हैं सब बंदोबस्त थोड़े समय को चालू करने का तो शिवानंद सब बंदोबस्त सब बंदोबस्त कर रहे हैं लेट हो गया और इतना भूख लग गया भूख में बैकड़ होकर बोलते मेरे इतना भूख लगा जो कि बलराम है आनंद शक्ति के आधार है सारे चीज उनको उनको भूख प्यास को ऊपर है वो तो शुभ भगवान है लेकिन भगवान देखना चाहते हैं कि मेरे को भूख लगता है लेकिन आजकल मूर्ख लोग गढ़े लोग खाएंगे मटर पनीर खाएंगे हलवा कचौरी बर्फी और घर में लड्डू को रखेंगे शक्कर को भूख लगाते नॉन लोग शक्कर या खड़ी शक्कर लगाएंगे और या सिंगदाना लग देंगे और जाके होटल में खाएंगे भिखारी बनते जैसे ए, उनका कर्म के द्वारा कुछ मिला है इस जन्म में लेकिन अगले जन्म में उनका दंड मिलेगा क्योंकि तुम्हारे बाप का संपत्ति नहीं है भगवान तुम में सोएगा भगवान को रखेगा एक छोटे छोटे से खोपड़ी में रखेगा बड़ा के खूब सोएगा छह फुट में सोएगा और मरने के बाद ये शरीर का कुछ वैल्यू नहीं रहेगा शरीर कहा गया समाने शरीर मड़िया रही

फिस्ट बनाएंगे जैसे हम मटर पनीर खाते हैं कोई मटर मच्छी खाता है ऐसे हमारे शरीर को लेकर फिस्ट बनाएंगे और हमें शरीर के माध्यम से कभी टाइम नहीं मिल रहा मेरे को फुर्सत नहीं टाइम नहीं है टीवी के टीवी के सम है बीबी बीबी के टिब्बी नंद लोग चोर लोग हा? हाँ इसलिए हम बताते हैं कि कैसे उनकी व्याकुलता कहें क्यों ऐसे होता है गरीब क्यों दरिद्रता आता है क्योंकि भगवान को माने नहीं भवन की यूज भगवान की संपत्ति को यूज करेंगे भगवान को मानेंगे नहीं लेकिन यहाँ पे देखिए नित्यानंद को दिखाना चाहते है कि मेरे को भूख लग गया है मेरे बंदोबस्त नहीं किया कोई बोलता है भगवान थोड़ी खाते है भवन भूख लगता नहीं भगवान भूख लगता है भवन को गर्मी लगता है भवन को ठंडी लगता है भगवान को सब कुछ लगता है भगवान बात करते भवन खाते भवन पीते भवन चलते भगवान चलते भगवान सब कुछ करते लेकिन भगवान सब कुछ करते हैं। लेकिन भक्त तो जानता है लेकिन जो तो भक्त नहीं है वो जान नहीं पाएगा इसलिए बताते हैं पश्चिम पे नपस् देखते हुए भी नहीं समझ पाता है क्यों भगवान को भक्त होना जरूरी है भक्त तु अन सक्यम अहमेविधर जुना हे भक्ति करोगे तो मेरे को जान पाओगे भक्ति अनन सक्यम भक्ति करोगे गा तो गारंटी है सक्य समझ सकते हो भक्त है शुरू हो तो होता है कहाँ से साधु संग साधुसंग साधुसंग सर्वशास्त्र कहे लोहमात्र साधु संग सर्व सिद्धि है सब सिद्धि मिलेगा यहाँ पे देखिए नित्यांत प्रभु हमारे नित्या को भूख लग गया अब भूख लगने के नाते नित्या प्रभु क्या करता है भूख लग गया भूख लगने का तो नाटक करते हैं नितान्त प्रभु तो अनंत शेष है वो पूरा अनंत पूरी ब्रह्मांड को अपन फणों पर धारण किए नित्यांत भूखो नहीं सोम लक्ष्मण है नित्यानंद कौन है बलराम है सब नित्यानंद कौन है परमात्मा रूप में सबके हृदय में विराजमान है वो कौन है जो घास जो जान है वो भी नित्यांत भूख शक्ति है, है। हमारे हृदय में जो जान है वो नित्यांत शक्ति है हर एक जगह पे नित्यानंद हर एक जगह पे कोने कोने में नित्यानंद है इसे नित्यानंद प्रभु यहाँ पे उनका महिमा प्रकट करेंगे भगवान श्री गौरांग महापुर का महिमा प्रकट करने के लिए वो यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं कि मतलब मेरे को भूख लग गया कुछ आगे कुछ काम करने वाले हैं आगे गौरन का यश को फैल जाएंगे ना इसलिए भूख लगाते हैं उनको देखो कितना देहर हम नित्य सुंदर बोलते है नित्यानंद प्रबू भूको भूके बेकुल भैया शिवानंद गाली पड़े न पाया और शिवान भूख लगने के नाते गाली पड़ता है शिवानंद से को बोलते गाली देते है भूख लग गया मेरे को भूख लगता है मेरे को भूख लग गया बंदोबस्त नहीं करता है, है? क्यों नहीं बंदोबस्त है अभिशाप देता है दे, गाली देंगे देखो कैसे इस हम इसमें नित्यानंद को व्याकुलता कितना देखिए नित्यानंद कैसे भूख लगता है खाता है जब एक बार भवन चौधन महाप्रभु नवोद्वीप में थे अदय आचार्य का घर में बोला या बोला के बोलते मेरे घर में भोजन करो साथ में नित्यानंद प्रभु है नित्यान आठ अच्छे अदित्य चार जो महाविष्णु सदाशिव का बता रहे नित्यानंद बोलते बैठ गौरव बैठो, हाँ गौरा देने लगा, नित्यानंद को देने लगा भोजन और क्या करते हमारे नित्य भगवान देखिए नित्यानंद कहे कहल तीन दिन उपवास आज पुराण करते बड़ आस <coughs> नित्यानंद बोलता है अरे मैं तीन दिन से उपवास किया हूँ यहाँ पे क्या लगता है नित्यांत भूख लग गया ना ये नित्यानंद बोलता है मेरे को तीन दिन से उपवास है अदय तो कुछ भोजन बनाया रेडी किया कि नहीं अदय महाप्रु को बोला आसन बैठे और नित्यानंद को आसन के लिए बैठे एक सुंदर आसन बनाया यहाँ पे एक आसन दोनों थाली में एकदम केला के पता में इधर बड़ा तेला केला का पता है यहाँ बड़ा केल के, के पता है अनेक प्रकार के व्यंजन बने कब कम से कम बहुत प्रकार के बीस पच्चीस आइटम बने दोनों प्रभु के लिए बैठा दिया प्रभु दोनों बैठो दोनों प्रभु कौन है कौरा इसे बोलते दोनों प्रभु है परम करुण पु दुई जन निताई गौर चंद्र परम जन निताई गौर चंद्र परम करुण अवतार चैतन्य बाबू नित्यानंद बाबू को बोले अब बैठो ठीक है और देखते वो गृह तो नहीं दे तो दोनों प्रभु का बोले आ बैठो तो मेरे घर में भोजन करो तो भोजन करने के टाइम क्या करते देखिए नित्यानंद बाबू बोलते आज ही उपवास हो लो आचार्य और अर्ध पेट न भर ग्रास क्या बोलते बोलते हैं? मेरे तो उपवास था तीन दिन से उपवास था अरे अदित्य ने मेरे को बुलाया भोजन करने के लिए है ये गौरंग को तो बोलिया नित्यान बोल नित्यांत बोलता है ये जो लाया ना खाने को मेरा आधा पेट भरेगा नहीं क्या बोलते है मेरा आधा पेट भरेगा नहीं ये क्या लाया तुमने हा? मेरा आधा पेट भरेगा नहीं यहाँ नित्यांत को देखो नहीं इसलिए बोलते नित्यांत का चरित्र विपरीत यहाँ पे नित्यांत को भूख लग गया था ना या भगवान की लीला प्रभू की जे लीला सुनोगे ना नित्यानंद की लिला नित्यानंद लीला से नित्यानंद उपलब्धि करो गारंटी नो डाउट निश्चित नित्यानंद तत्व जानोगे तो गौरंग तत्व को जानने का सक्षम होगा जब तक इसलिए बताते बे नितरणा सत्य नितर सत्य तार सेवक नित्य बोलते चरण सत्य तहार सेवक नित्य नित्य का चरण का जो लेता है, उसका सेवक नित्य नित्यानंद महिमा है परम्पर है कोई नहीं समझ सकता है बड़े दयाल नित्यानंद बड़े दल नित्यानंद मार खाए प्रेम दे बे अश्रुधार मार खा करके उसको जगाई माधवी ने जगाई और माधवी दो भाई थे नित्या को प्रहार किया प्रहार करने के बाद भी हमारा प्रभु नित क्या बोला क्या बोला एक बार भाई भाई बोलते भाई बोला भाई नहीं? भाई बोलते अनंत सम्राट अनंत कोट ब्रह्मांड को के नायक उसको बोलते अरे भाई एक बार तो हर नाम ले बात सुनते भगवान गौरंग महाप्रभु का कानून पड़ा के ऊपर प्रहार हुआ है सुदर्शन आया आ, है सुदर्शन मारने को आया नित्यानंद बोलता है हैं प्रभु मैंने उसको अपनाया मैंने उसको अपनाया तो नित्यानंद प्रभु को अपनाया कौन गौरंग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को गौरंग अपनाया के नाते नित्यानंद प्रभु ने जगाई में जगाई और माधाई अपनाया माधाई ने प्रा जगाई ने प्रा, प्रा, तो, बोलते मैं उसको रखा के मैं मैं अपने है उसको तो भगवान के चक्र रिटर्न हो गया तो भगवान इत्यांद की कितना उदार है कितना विचित्र है कितना दिव्य है कोई भी नहीं समझ सकता है भगवान नित्य के गुण गुण इसलिए बोलते हरे नितय गुण मणि अमरताय गुण मणि गुण मणि अमरता गुण मणि

प्रेम का बाढ़ लाया अवनिमित्र पृथ्वी को पूरा प्लावित कर दिया आज उसी प्रकार नित्यांत प्रभु अगर कृपा करेंगे ये बहुत ही जगत के जो बौद्ध जीव को उदार होगा ये नित्यांत के चरित्र अपारंपर इसलिए बताते यहाँ पे कि शिवान से तो जा रहे हैं रेडी कर रहे हैं उसको भूख लग गया भूख लगाने जाते हैं बोलते मेरे को भूख लग गया मेरे को बंदोबस्त नहीं करता लोग बोलते ना भगवान खाते नहीं भगवान पीते नहीं भगवान देखते नहीं भगवान सोते नहीं ये भगवान सब तो भगवान हमारे भगवान सब खाते हैं भगवान चलते हैं भगवान देखते हैं भगवान सुनते हैं भगवान कैसे सुनते हैं अरे भगवान का कारण अरे मूर्ख नंद नंबर वन तेरे कारण तेरे बाप का कारण नहीं है तेरे आंखे तेरे बाप का आँखें नहीं है हैं तू जन्म लिया ऊपर टपक गया उसका कोई बीज तो है जैसे इलेक्ट्रिक चलता है तो अपना चलता है पावर है उससे कनेक्शन है ना उसी प्रकार सारे पावर हाउस श्री प्रभु है सारे पावर हाउस का स्रोत श्री नित्यान को कहू बलराम है बलराम है बलराम बलराम जो बल में उनके शक्ति में कोई नहीं सामना कर सकता है बलराम और वो कौन सा बल उनके पास है सा, सारे बल है शारीरिक बल है सुंदरता का बल है और, और जो आध्यात्मिक बल है वो बॉल भी है इसलिए हम सबको प्रभु नित्यानंद के चरण में चरण कमल प्रार्थना करने चाहिए क्यों नित्य के प्रार्थना करने से नित्यांत चरण कैसा है बताते कोटि चंद्र सुशीतल नीता पद कमला चंद्र सुतला

करोड़ों करोड़ो करोड़ो चंद्रमा शीतल है इसलिए हमको कभी भक्तों भा, को कभी फिकर करने का नहीं कहूं हमारे प्रभु नित्यानंद प्रभु हमारे प्रभु बलराम प्रभु धारे। तो इतना दयालु है इतना दयालु आप देख सकते हो कैसे जो भवन कृष्ण मारने वाले थे शिशुपाल को शिशुपाल को मारने के वाले शिशुपाल नहीं, नहीं। जब रुक्मिणी का शादी होता है भगवान कृष्ण रुक्मिणी को लेकर थे तो रुक्मिणी का भाई रुकमत रुक्मी।, रुक्मी रुक्मी वो शिशु वो परशुराम से शिष्य शिष्य होने के नाते वो आया फाइटिंग करने के लिए भगवान कृष्ण के साथ कृष्ण उसको बाध करने वाले थे उसके पीछे फिर पहुंच गए कौन बलराम जी में आ रहे। ए, साला है उसको मत मारो है उसको छोड़ दे तो भगवान बलराम का बात मान के ए, भगवान कृष्ण ने क्या किए उसको छोड़ दिए उसी प्रकार ये संसार में बलराम का बात मानेंगे नित्यांत की बात मानेंगे तो चैतन्य महापुर कृपा करेंगे हुँ? इसलिए यहाँ बताते हैं क्यों यहाँ चरित्र कैसे मैं क्यों ये पॉइंट बताता हूँ कि नित्यांत के बारे में जानना जरूरी है नित्यांत वो भूख लग गया वो बोलते बैकुल हो गया इसी बोल यहाँ पे होते इस तरह के घर पर बोलते हैं अरे क्या है मेरे को खिला रहो अरे तुम इतना रह मेरा आधा पेड़ भरेगा मेरे को पेड़ भरेगा नहीं मेरा क्या ले तू बोलते हैं देखिए है? आज उपवास लो आचार्य ने मंत्राणे और जब पेट ना भरिलो ए ग्लासेर ने मेरा आधा पेट भरेगा नहीं तुम जो लाया हुँ? तो क्या बोलते हैं आचार्य कहे तुम ही हो ततई को ब्राह्मण कवु पामुला खाओ कवु पवासी अरे भाई आप तो घूमने वाले ब्राह्मण हो कभी मिलता खाने को कभी फल मूल उओ कभी फल मूल खाओ कभी ये खाओ उसमें क्या चिंता है जो मिला वो खाओ आपको कुछ चिंता हो दो तो देखो बोलते तो अदित उनको बोल रहे हैं किसको बोल रहे हैं रीतना देख बोलते तुमको क्या करने का आते पेट खाना थोड़ा खाना है ये नहीं जरूर नहीं है आ? एक क्या है आपको जो मिला वो खाओ जरूर नहीं है आ? बोलते हैं दरिद्र ब्राह्मण घरे अन्न आई लो मुस्टिको था, मन हम दरिद्र ब्राह्मण है मेरे घर में आए अद्वित आचार्य कौन महाविष्णु है सदा सदाशिव अपना को क्या बोलते हैं मैं दरिद्र ब्राह्मण हूँ मेरे घर में आए हो ठीक है जो मिला हो खाओ भाई हम गरीब ब्राह्मण है जो मिला वो खाओ संतुष्ट हो जाओ आमको मेरे उतना दे नहीं सकता हूँ डायरेक्ट मना करते कौन मना करते हैं

करते भोजन आप मेरे को भोजन करने के लिए बोले है ना मैं जितना खाऊंगा तुमको उतना देना पड़ेगा कोई तो कर जाएगा है जितना चाहिए उतना मतलब क्या नित्यांत भू उसमें क्या देखाते नित्यांतु को अपनापन है नित्यांत भू उदयचर्य को अपना लिया नित्यांत प्रभु ने नेर् को अपना माना अपना माना जिसको जो अपना मानता है उसको बोले हे भाई निकल निकाल दे खानों को दे जैसे बच्चा मम्मी को बोलता है मम्मी आज रोटी बनाना आज परोठा बनाना आज ढोसा बनाना आज ये बनाना आज मेंदू बड़ा बनाना जो डुब डुब खाते क्या बोलते उसको पानीपुरी पानीपुरी बनाना है जो जिसको मानता है उसको बोलेगा ना ऐसे ही हमारे गौर चंद्र हमारे नित्या चंद्र को अदयच ने क्या क्या उदयचंद नित्य को मानता है प्रेम करता है और नित्या प्रभु ने अधेचर को अपना मानता है इसलिए बोलते हैं अधेचर बोलते हैं कि ये क्या बोलते हैं देखिए बोलते हैं नित्यानंद क्या बोलते हैं अरे मेरे को बोले ना पूरा खिलाऊं ना ऐसे का आधा पेट थोड़ी खाऊंगा मैं पूरा पेट पेट भर खाऊंगा तो क्या बोलते हैं सुनी नित्यानंद रखो था ठाकुर अद्वैता कोहे ना तारे किछु पाईया पीरीता नितान्त प्रभु का बात सुनने के बाद श्रद्वाचार्य प्रेम से कुछ बोलते हैं क्या बोलते हैं, हैं? क्या बोलते हैं भ्रष्ट अबरित अरे तुम भ्रष्ट अवधूते नितान्त प्रभू को हमारा श्रद्धाचार्य बोलते हैं अरे भाई तुम भ्रष्ट मन भ्रष्ट मना ढूँगी

माने कहा दरिद्र ब्राह्मण तुम तो दस बीस मान भोजन कर सकते हो मैं कहा तो सत्य है भगवान जो कृष्ण और बलराम दोनों अभिनय सेम है जो गोवर्धन लीला थे भगवान अनियो अणियो बोले जो कृष्ण का है कृष्ण का दूसरा अंश है बलराम खाली गोरा और काला में फर्क है इसलिए मतलब तुम तो इतना खा सकते हो मैं से लगू मैं दे नहीं सकता हूँ जब जा अरे तेरे मना करते हैं तो क्या बोलते हैं देखिए ये मुस्टिगर कहा उठो पागला में ना खिया ना झूठो जो मिला एक मुठा चावल उसको खाके उठो उसको बोलते उठो और क्या करो पागल है मत करो वो एक प्रेम का कल चलता है आदित्य प्रभु और क्यों दोनों पागल है आदित्य जो पागल है और नित्यानंद पागल है श्री गौरंग प्रेम में पागल है ये दोनों माताल हो गए बीच में गौरंग प्रेम रस उसके स्वीकार करके क्योंकि दोनों गौरंग चंद्र को प्रेम करते दोनों का दोनों का प्राण बल्लभ है श्री गौरंग चंद्र है दोनों का प्राण नाथ है श्री गौरंग चंद्र है इसलिए दोनों पागल हुए गौरव प्रेम में अब देखिए कैसा प्रेम है बोलते यही मत हस्य खाओ प्रभु व्यंजन हस हस के खाता है आधा आधा छोड़ता है आधा खाता है आधा छोड़ता है कौन नित्यांत भू तो ये करने से क्या व्यंजन आचार्य पुनः करणा पुरान परिवेशन व्यंजन ऐसे पुनः पुनः व्यंजन प्रभु का थाली में प्रभु कौरंग यहाँ बैठे हैं प्रभु नित्यांत यहाँ बैठे और अधेचार्य महाप्रभु उनको प्रसाद अदयाचर्य उनको भोजन खिला रहे हैं और क्या बोलते हैं दोनों व्यंजन भरी कर आरो के करियो भोजन देखो दोनों भोजन दोनों व्यंजने भरी कर प्रार्थना प्रभु बोले न आरो कर तो करियो भोजन जब दोनों भर गया तो गौरंग महाप्रु बोलते अब मेरे हो गया मेरे हो गया कि दो थाली बैठे दो पट्टी बैठे मेरे, मेरे, मेरे को, हो गया मैंने कहा अभी हो गया मेरे पेट भर गया मेरे पेट भर गया तो ये क्या बोलते हैं देखिए बोलते हैं नित्यानंद कहे हमारा पेट कि मेरे पेट भर गया गौरांग चंद्र भगवान विश्वम भरे और यहाँ पर उनका जो पार्टी दूसरा पार्टी है श्री नित्यानंद प्रभु क्या बोलते हैं मेरे पेट नहीं भरा है बोलते लैया जाओ तुरंत

जैसे आप देखोगे आगे आएगा उन्हें गुस्सा हो और अभिशाप देंगे के पत्नी के सामने बोलेंगे तेरे पुत्र मर जाएगा मेरे को तुम खिलाए नहीं हम्म हमारे नित्या सुंदर भगवान बड़े दयालु है बड़े दयालु है इसलिए बोलते हैं कि नित्यांत की कृपा के बिना कोई प्रेम भक्ति प्राप्ति नहीं कर सकता संसार में नित्यानंद के चरित्र करेंगे बोलेंगे अच्छा आदमी नहीं है जैसे हम देख सकते हैं जगन्नाथपुरी में एक व्यक्ति था उन्होंने क्या क्या महाप्रभु को तो प्रेम किया बहुत प्रेम किया लेकिन महाप्रभु को बोलता है महाप्रभु मेरे को एक शंका है ना क्या शंका तुमको नहीं नित्यांत प्रभु प्रेम आता है नित्यानंद ऐसे क्या चरित्र है अच्छा नहीं लगता है तो महाप्रु बोलते तुमको मालूम नहीं नित्यांत कौन है अगम्य है नित्यांत जो है अनंत शेष है अनंत महिमा उनका फिर नित्यांत भू के महिमा प्रकट करते हैं क्या प्रकट करते हैं कि जैसे हम देख सकते हैं श्री सुंदर भगवान को जैसे हम देख जब ब्रह्मा जी ने बोले तुम तो नित्यांत के प्रति सोचने का नहीं ऐसा अपराध है क्यों उदाहरण ब्रह्मा जी ने अपने सुपुत्री बेटे के प्रति जब आकर्षण हो गए तो उसके पीछे धाममान होते बोलते हैं तो उस जो ब्रह्मा जी के दूसरे पुत्र को मारी थी लोग इसके वजह से अपराध का अपराध बहुत भयंकर अपराध हुआ जिसके वजह से कितना जन्म उनको लास्ट को यशोदा माता का गर्भ में जन्म लेके कंस के द्वारा तो और जैसे अब देख से मरा गए उस वही है, है? तो मर के पटक दिया कौन सा वही है फिर बाद में ये देव की देव की क्या गर्भ में आते देवी देव देव के घर में इतना थे ना के घर में देवी की लेके कौन से लेके मारता है देवी का गर्भ ना गर्भ को हुआ तो कौन से घाट में कौन से मारेगा फिर लास्ट को देवी की बोलती है कृष्ण को मेरे पुत्र को मैं मिलना चाहता हूँ वो पुत्र कहाँ है और सब बलि बलिंग महाराज के पास थे ले आते हैं और जब देवकी का स्तन पीते हैं उनका पाप मोचन होता है तो बोले थे एक वैष्णव अपराध कितना खतरा है कितना डेंजर है कितना सीरियस है एक पागल हाथी जब एक केले के बगीचे में घुड़े घुसेगा ना पूरा खराब कर देगा उसी प्रकार हमारे मन के अंदर अगर वैष्णव के प्रति वैष्णवी के प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाएगा तो हो जाएगा गड़बड़ इसलिए भगवान के भक्त के प्रति कभी भी मन के अंदर ये भावना रखने का नहीं थे क्योंकि भगवान को भक्त बहुत प्रिय है इसलिए नित्यानंद बबू का जो चरित्र है हगम्य है उसे समझना बड़ा कठिन है वो वो ऐसे पागल पर ना करते जिसे हम देख सकते हैं एक बार शिवा शिवास ठाकुर के घर पे नित्यानंद बबू थे चैतन तो बोले ए शिवास काय को तुम उसको घर में रखो किसको नित्य को मदर को घर में क्योंकि उसका ठिकाना नहीं हो बराबर नहीं है उसको निकालो क्योंकि ठाकुर गौरांग महाप्रु को बहुत प्रिय है तब महाप्रु हैं बोलते निकाल दो घर से निकालो घर में रहने से तुम्हारा घर का बाकी लोगों से तुम्हारी निंदा करेगा तुम उसको निकालो तब ये शिव ठाकुर बोलते प्रभु नित्यानंद प्रभु हाथ में बारूणी साथ में लड़की एक हाथ में लड़की एक हाथ में दारू का बोतल आएगा मेरे मेरे लिए हृदय में जगह है घर का क्या मेरे हृदय में जगह है मैं उसको त्याग नहीं कर सकता हूं तब गौरा महापुरु बोले अरे शिवानंद अरे शिवा ठाकुर क्या बोला और वे गौरव बोलो और क्या गौरव बोलो और बोलो तीन बार बोलो मेरे को बहुत अच्छा लगा तो महाप्रु अच्छा है महापुरु का भक्त का प्रशंसा होने से इसलिए जब भक्त को प्रशंसा करेंगे भगवान हंड्रेड परसेंट प्रसन्न होते हैं बोलते तुम मेरे को इतना प्रेम करता है इसलिए मैं तुमको वरदान देता हूं समय आने पर लक्ष्मी भी की मांग सकती है तेरे घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आने वाली है क्योंकि तुम ता को प्रेम करते हो उसी पर नित्यान को गुरु है इसी प्रकार जो व्यक्ति गुरु को वैष्णव को आचार्य को परंपरा को गुरुओं को प्रेम करेगा ना उसके जिंदगी में सिद्धि शिद्ध, सारी सिद्धियां उसके पीछे पीछे भागेगी गारंटी है अगर वैष्णव आचार्य गुरु के पीछे हमारा प्रेम रहेगा हमारे जो सिद्धियां है ना सिद्धियां हमारे पीछे भागे असली सिद्धि क्या है असली सिद्धि है आत्मसार हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं मैं कृष्ण के अंश हूँ कृष्ण मेरे प्रभु के, मेरे प्रभु है, मैं परम्मा तो भगवत धाम जाएगा कितना बढ़िया जगह है कितना ये चीज इसलिए समझना बड़ा कठिन है इसलिए यहाँ पे नित्यांत वो क्या बोलते हैं बोलते एक चावल का गोल गोल बना के लिया फेंक दिया ये फेंक देते क्या करते दुई भात भात आचार्यो नाचे बहूर जो देते दे चावल को चावल का दो चार टुकड़ा महा प्रभु महाप्रभु गौरंग महाप्रभु के नहीं श्री प्रभु के प्रसाद थोड़ा लग गया श्रीत आचार्य के दिव्य शरीर में जब लगता है और इधर की उम्र सिक्सटी के ऊपर है सेवेंटी है और बुढा हो गया बाल पक गया लेकिन जब चावल है ना अरे तरह के शरीर में लगा तब देखो अधिक को अधिक प्रेम में डांस करने लगा एकदम उदंड नृत्य महा नुर्त्या करने लगा कि गौरव प्रेम में डूबने लगा इसलिए बोलते यहाँ पे नाचे बहुरंगे और नाचने ना लगा क्या बोलता है झूठा लगी लो, मोरो अंगे। परमा मोरे। कोई लो एही ही रंगे अरे ये अवधूत का झूठा मेरे शरीर में लग गया और मेरे को पवित्र बना दिया इसलिए बहु रंगे ये देखो रिकांत के चरित्र झूठा फेंक के उसका ऊपर और उसको कृष्ण प्रेम में डुबा दिया ना ऐसे नित्यानंद प्रभु की महिमा है नित्यानंद का अगम्य चरित्र है नित्यानंद चरित्र है इसलिए बताते हैं नित्य गुण मणि आमा नित्य गुण मणि नित्य गुण मणि आमा नित्य गुण मणि अनिया प्रेम बनिया भाषा इल अबनी अनिया प्रेम बनिया भाषा इल अबनी सिंधु काटिया मुहाणो आबद्ध जो बद्ध था जो मंदिर बना हुआ था जो सिर्फ गोलोक वृंदावन में था जो कृष्ण सिर्फ गोलोक वृंदावन में था श्रीमती राधाराणी का था श्री गौरंग महाप्रु क्या था और उसको बंधन चाबी का था चाबी लगाई हुआ था ये नीताई सुंदर क्या क्या आबद्ध जो कोरोना था करुणा सिंधु नीताई खाटवा मुहान वो क्या क्या नीता उन्हें चाबी लिया खोल के खोल दिया जैसे बड़ा बड़ा नदी में ये रहता है क्या रहते हैं डैम का गेट रहता है जो डैम रहता है, तो है तो पानी भर के रखते हैं लेकिन देखते पूरा संसार पूरा सूखा पड़ा हुआ है ये पड़ा हुआ है बढ़िया तो फट के खोलते उसी प्रकार नित्यानंद पुण्य देखेगा सर संसार अभी माया में मोहित है इसलिए नित्यान गेट खोला गेट खोल दिया और गेट खोलने के बाद गेट का गेट के पास गेट खोलने के चाबी किसके पास है नित्यानंद नित्यान्दू के पास नित्यानंद नित्यान्के पास है नित्यानंद प्रभु ने दिया एसी भक्ति भक्ति विदय प्रभुपद के पास प्रभुपद किसको दिया उनके भक्तों को दिया इसलिए भक्त परम सिद्धि प्रेम लतिकारूल वो सिद्धि मिलेगा यहाँ पे देखिए क्या क्या एक चावल दिया उसके ने बोला अरे झूठा लग गया मेरे को पवित्र कर दिया तो विचार करो भगवान की महिमा अगम्य महिमा इसलिए बोलते तोरो करी फल तोर जाति कुल नहीं सहजे पागल बोलते तेरे को निमंत्रण करके एक क्या मेरे को मिला तेरे जाति कुल नहीं है तू पागल है जो भक्त जो होता है भक्त कोई जाति कुल नहीं है कह शास्त्र में जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई भगत ही नर तनु कैसा बिन, देखिय जैसा जाति में ब्राह्मण हो क्षेत्रीय हो वैश्य शुद्र कुछ फर्क नहीं होता है जाति पाति अच्छा पात्रता है कुल अच्छा कुल में जन्म लिया द, धन आपके पास ए, माल, प, माल आ, धन, बाल, बाल बहुत संपत्ति है माल माल मालदार पार्टी आ है, आपको जयकार करने अन, अनेक लोग है। लेकिन अगर भगवान का भक्ति नहीं है कैसा है सुन लो मंदिर भक्त लोग कैसा है बीनु जल बढ़ देखिए जैसा जैसे बारिश का आवाज बारिश दिखता है बादल दिखता है आवाज करता है लेकिन बारिश नहीं होता है पुर्थी फट गया उसी प्रकार बिना खाली मेघ आवाज करते बारिश नहीं होता फायदा क्या उसी प्रकार सब कुछ रहते हुई अगर भक्ति नहीं है बेकार है इसलिए बताते भक्ति भगवत अखिंचना गुणा वे गुण अस्त समाज अगर वैष्णव बनोगे सारे गुण उसमें है कृष्ण भक्ति करोगे जो कृष्ण की शरणा है सारे गुण उसके पास है और कृष्ण भक्ति नहीं करते सारे अवगुण है जितना भी गुण होने दो सब अवगुण है अगर भक्ति नहीं है तो भक्ति है सारे अवगुण होने के बाद भी वो गुण अवगुण माना जाता नहीं क्योंकि क्यों? वो किसको पकड़ा है भगवान को भक्ति पकड़ा है इसलिए बताते हैं अपेक्षित दुराचारो भजत्य अन्य भावक साधु देव से मंतव्य सम्य है दुराचारी क्यों ना हो अगर कृष्ण भक्ति में अड़िंग हो के भगवान भक्ति कर रहा है तो गारंटी है कृष्ण कृपा प्राप्त होता यहां है यहाँ पे देखिए को कैसे बोलते हैं अरे तेरे को निमंत्रण किया लेकिन क्या होता है जाति गोलो मेरे सब पागल कर दिया और वो बोलते हैं अपना समो मोरे कर झूठा दिले विप्र बोली भयो ना करे अरे तू तो पागल है अब मेरे को भी पागल बना दिया और ये चाहे ऐसे बोलते तू तो मेरे को तू निजे पागल है खुद पागल है मेरे को पागल है बने इस मतलब जैसे संग ऐसे रंग जैसे रंग दी करोगे ऐसे रंग अगर हम अच्छा संग करेंगे अगर मन में विचार रहेगा मैं अच्छा संग कर लूंगा तो कृष्ण आपका अच्छा संग दिलाएगा अगर आपका मन विचार है मैं ना आपका मतलब संग करूंगा मेरा फायदा उठाऊंगा आपके ऐसे मिलते जैसे संग ऐसे रंग संग जैसे एक सफेद कपड़ा है उसको लाल कलर में डालो लाल होगा पीला में तो पीला लाल में तो लाल ग्रीन ग्रीन येलो में जैसे कलर में डालो, कलोर कपड़ा, कलोर लेगा। उसी भगवान का हमको जैसे संग करेंगे ऐसे घूम चढ़ेगा इसलिए सबसे बड़ा चीज है हमको एक अच्छा संग ढूंढना चाहिए तो अच्छा संग ढूंढने के कहाँ ढूंढेंगे जब भगवान को प्रार्थना करेंगे कि भगवान मेरे को अच्छा से अच्छा संग दीजिए तो भगवान आपके परमात्मा विराजमान है वो आपका रास्ता दिखाएंगे अच्छा संग देंगे जो संग प्राप्ति करने के बाद हम ऐसे संघ के माध्यम से धाम जा सकते हैं जीवन का परम लक्ष्य है तो यहां पे देखिए कैसे बोलते नित्यानंदो बोले कृष्ण प्रसाद झूठा कह लो तुम्हें कह लो अपराधो नित्यानंद बोलता है तुमने भगवान का प्रसाद को झूठा बोल दिया अपराध हो गया तो दोनों में झगड़ा होता है तुम झूठा क्यों बोला तुम झूठा बोला तो अपराध हो गया अभी अपराध हो गया तुम अभी अपराध कर दिया तो तो क्या बोलते सन्यासी यदि भोजन अपराध देवे खंडन सुना तो अभी सो सन्यासी को भोजन कर अपराध खंडन हो जाएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा बोलते हैं कैसे कितना कृपाण नित्यांत बहुत कृपा नित्यांत जैसे क्यों कृपाण हुआ अनंत लीला उनका अनंत लीला आप देखो रघुनाथ तो गोस्वामी ऐसे व्यक्ति हैं है? वो गौरंग महापुरु के पास गए थे मिलने के लिए एक बार गए दो बार गए तीसरा बार गए महापुरु बोले नहीं 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 रिजेक्ट कर दिए जब ये रघुनाथ गोस्वामी श्री नित्यानंद प्रभु के चरण में जाते हैं नित्यानंद भू बैठे पानी हल्टी में पेड़ के नीचे बैठे हैं नीला वस्त्र पहने हैं नीला पाठ पहने हैं नीला ड्रेस पहने हैं नीला पगड़ी बांधे हैं और बहुत सुंदर एक घुघा बाल है घोड़े धक धक शरीर है एक सुंदर एक हार पहने हुए जो हार एकदम सारा दुनिया को सुगंधित करने वाला हार और उनके जो नित्यान्द को चरण एकदम कोटि चंद्र सुशीतल इतना चरण शीतल है और उनका जो होता है जहाँ दृष्टि पड़ता है कहा गया कैसे जैसे एक नशा वाला व्यक्ति आग चलने पर चलने पर क्या होता है एक पर एक पर दे कुछ ना कुछ मांगता दे देता है उसी प्रकार नित हमेशा नशा में रहता है किसी कौन से नशा में गौरांग प्रेम के नशा में दान देने में रहता है जो आगे पढ़े तारे करे निस्तार जो आगे गिरता है वो देखता नहीं पात्र पात्र नहीं स्थान नहीं स्थान जई जहाँ तहाँ करे प्रेम दान जो जहाँ मिलता है उसको देना देता है तो यहाँ पे नित्यानंद भू बैठा है रघुनाथ कोशी में आते हैं और बहुत करोड़पति के पुत्र दूर से प्रणाम करते हैं तो भक्त लोग को बोलते प्रभु प्रभु प्रभु, प्रभु ये ये आया है कौन आया है रघुनाथ रगुन, आया है अच्छा रघुनाथ आया है अरे चोर 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 सब भक्त लोग बोले चोर क्यों बोलते हैं चोर क्यों बोलते हैं चोर क्यों बोलते हैं बोलते हैं हमारा नित्य कैसा है चोर पकड़ के ला उसको दंड दूंगा दंड दूंगा मैं। दो भाई बोला रहे। आने के बाद तो से दूर से तो प्रणाम कर रहा था एक धोती पहना एक चदर पहना ऊपर चदर डाला है करोड़पति के मालिक है अपसर के समान पत्नी इंद्र के समान ऐश्वर्य तथा तभी भी उनके मान भौतिक भोग में प्रवेश नहीं किया क्योंकि झुकता है नित्यानंद प्रभु को झुकता है क्यों उसको ऐसे कृपा मिला क्यों आज रघुनाथ गोस्वामी अनंत कृपा प्राप्त हुआ क्या कारण इतना हम लोग हमारे पास कुछ नहीं है तभी हम उसके पीछे रखूंगा 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 कोई कितना लोग आओ ब्रह्मचेरी बनो खाने खाने तभी भी घंटी बजर तभी भी नहीं सुधरेंगे कोई भी व्यक्ति कौन कार्य में आगे नहीं बढ़ते लेकिन यहाँ पे देखिए कैसे रघुनाथ दे गोस्वामी के पास इतना संपत्ति होने के बाद कहा गया सुंदर पत्नी बहुत पैसा सुंदर शरीर और ऐश्वर्य संपत्ति ये सोना बहुत इनके रहने के नाते वो व्यक्ति भक्ति करना कठिन है लेकिन अनेक भगवान के पास है अनेक भक्त के पास है भक्ति, भक्ति करते कोई चिंता नहीं लेकिन नाइन्टी नाइन ना परसेंट धनी लोग भक्ति नहीं करते हैं उनको लगता है हम बहुत भारी है। भारी क्या भिखारी लोग तुम लोग भारी नहीं बड़ा भिखारी है लेकिन नित्यान उनको देखिए रघुनाथ गोस्वामी उनका मन में विचार क्यों नहीं आया क्योंकि बचपन में जब थे हरिदास ठाकुर उनके घर में जाते थे हरिदास ठाकुर का मुखार रविंद्र से जब वो हरिदास ठाकुर कथा करते थे रघुनाथ गोस्वामी के पिताजी गोवर्धदास मजुमदार हिरणदास मजुमदार सुनते थे सुनने के एकदम छोटा सा हरिद छोटा सा हर रघु हाँ? हमारा रघुनाथ दास को रघुनाथ रघु कैसे उम्र का था पांच साल के थे पांच साल के थे पांच साल का बच्चा उनकी सुनता था ये हरिदास ठाकुर की महिमा देखिए सिर्फ श्रवण किया शुद्ध शुद्ध भक्त का मुख इसलिए कहा गया वैष्णव का मुख से अगर हम लोग हरि कथा सुनेंगे हरि के प्रति प्रेम होगा नाम को मात्र सुनेंगे तो कृपा प्राप्त नहीं करेंगे यहाँ पे देखिए नित्यानंद ने कृपा किया जो आज यहाँ पर देख सकते रघुनाथ गोस्वामी को जो प्रणाम करते महापुरुष नित्यानंद को क्या करते मालूम है अरे चोर को लाओ लाओ तो, लाओ तो तो लाओ। जबरदस्ती अपने चरण कमल उसकी सीरी पे रख देते हैं कृपया कभी मिलता है उनके चरण सिर में रखते बोलते अभी क्या करो क्या सेवा करो सेवा तो करो तुम चोर है चोर क्यों बोले चोर इसलिए बोले कि नित्यानंद एक्चुअली गौरंग जो है ना श्री गौरंग जो प्रेम है वो प्रेम का भंडार है एकदम स्पेशल चीज है वो सिर्फ नित्यानंद का है नित्यानंद के पास चाबी का थी और नित्यानंद के बिना गौरंग के पास जाता था कैसे होगा वो नित्यानंद गुरु है गुरु के बिना कोई कृष्ण के पास जा सकता है तो इसीलिए बताते हैं तुम चो मेरे प्रभु नित्यानंद मेरे प्रभु गौर है तुम मेरे बिना मुझे कैसे जाओगे तुम आ कृपा क्या क्यों उसका इच्छा था भगवान के प्रति प्रेम इसलिए जो व्यक्ति का भगवान के प्रति प्रेम प्राप्ति करना इच्छा करता है वो गुरु स्वीकार करेगा जिसका मन में बहुत विचार होगा मैं भक्ति करूंगा कृष्ण को प्रेम जो कृष्ण को प्रेम करता है जरूर इच्छा करेगा तो भगवान उसको गुरु के साथ संजो कराएंगे तो गुरु क्या बोलेगा ऐसा तो दिखाएगा फिर गुरु मुख पद्म वाक्य चित करिया आर न कर मन आशा गुरु के चरण में रति उत्तम गति उत्तम गति मिलेगा तो नित्यांत ने क्या किया? तो उसको कृपा किया जो कृपा करने के ना नाते उसको बाद में स्पेशल मर्सी मिलेगा उसी पर यहां भी देखते हैं कैसे बोलते हैं तू अपराध कर दिया सोलह लोगों को भोजन खिलाओ प्रसाद खिलाओ नहीं तो तेरे को अपराध लग जाएगा आचार्य ना करीब सन्यासी निमंत्रण सन्यासी नाशिले मोर सब स्मृति धर्म हे सन्यासी को बुलाऊंगा नहीं अदयचार बोल रहे कौन सन्यास को बुलाऊंगा नहीं ये? नित्यांत रूपी सन्यासी को नहीं बुलाऊंगा ये मेरे धर्म भर्म नष्ट कर दिया और झगड़ा होता है दुनिया प्रेम झगड़ा प्रेम कल होता है इसलिए बोलते हैं यहाँ पे कि कैसे नित्यांत की महिमा है और नित्यांत कैसे कृपा करता है नित्यांत की महिमा ऐसी है वो किसी भी हालत में कृपा करना चाहते क्योंकि जो व्यक्ति रंग महाप्र को भक्ति करना चाहते कृष्ण को भक्ति करना चाहते वास्तविक इच्छा है उसको गुरु मिलेंगे बिनु और कृपा मिले न संता ते ही बिनु मोहन भागे जब हरि कृपा करेंगे गुरु मिले जो गुरु कृपा करेंगे जो कृष्ण मिलेंगे जुड़ जाएगा डायरेक्ट बोलेगा मैं कृष्ण का हूँ कृष्ण आरती करता हूँ तुम्हारा आरती तेरे घर पे है वो चलेगा नहीं जब भगवान के शुद्ध भक्ति की अनुकम्पा होगा यहां पे देख सकते हैं कैसे वही नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं देखिए है? नित्यानंद बोलते मेरे को भूख लग गया भू व्याकुल हो गया और व्याकुल होने का तो क्या करते हैं बोलते हैं भूख लगने में आते यहां बताते हैं हम्म पुत्र मोरू को शिवार भूखे मेरी गलू मरे बासन दिलो सुभाष ठाकुर का शिवा शिवान सेन को बोलते अरे किधर गया हो शिवान उनके पत्नी उनके तीनों बच्चे हैं बाकी लोग सब एक सकते हैं सिरकान थे उनका भान जाए सब लोग हैं बहुत 200 300 लोग हैं अनिता ने बोलता है मेरे को भूख लग गया बंदोबस्त नहीं किया मैं अभिशाप देता हूँ, अभिशाप देता हूँ, अभिशाप देता हूँ, क्या अभिशाप कि तेरे तीन पुत्र मर जाएगा छटका कोई बीच करता है बोलेगा मैं बोलता हूं तुम्हारा पुत्र मर जाएगा बोलेगा आज से तू घर में हमारे आने का नहीं जाने का नहीं तेरे को मंदिर में तू तेरे मंदिर में मैं मंदिर में, 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 चल दे तेरे को ठे मारा 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 झूली आज छोड़ दिया मैं आज से कुछ नहीं चाहिए मेरे को भक्ति मेरे में ही भक्त बड़ा भक्त हूँ चल बोलेगा क्यों हर एक संसार के नियम है हम देख सकते कैसे शिव घर पे कीर्तन कर रहे थे। उनके पुत्र का अ मृत्यु मर पुत्र पुत्र का पुत्र का देहांत द्या, हुआ तो मारते लोग रोने लगे रोने लगे शिवेश ठाकुर बोले चुप 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 बात करोगे तो मैं मेरे गले में पत्थर डालूंगा गंगा में गुद पड़ूंगा क्योंकि मेरे प्रभु कीर्तन कर रहे हैं तुम यहाँ नाचो रो रहे हो घर में मरी रहे, बच्चा मर गया अरे बच्चा गया तो बच्चा गया चिंता क्या है स्टॉप योर माउथ चुप रह जाओ चुपचाप डर के मरे रहने लगे महाप्रभु बोलते श्रीवास बोलो प्रभु आज मेरे को आनंद क्यों नहीं आता है आनंद क्यों नहीं आता है कुछ प्रॉब्लम नहीं अपना दुख व्यथित प्रभु के सामने बताता नहीं प्रभु को खुशी करना है प्रभु को प्रसन्न करना है प्रभु को आनंद देना है तबो सुख है सुखी तबो सुख है सुखी हमी बोलते आप सुख में हम सुख ही होना चाहते हो आप सुख रहेंगे तो हम सुख रहेंगे तो नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो कुछ समय के बाद फिर बोलते कुछ तो प्रॉब्लम नहीं बता तो एक भक्त आके बोलता है महाप्रभु का महाप्रभु सुष ठाकुर का पुत्र मर गया है सुभाष ठाकुर पुत्र मर गया सुभाष ठाकुर को बोलते सुभाष तेरे पुत्र मर गया तेरे को चिंता नहीं है तू मेरे कीर्तन में इतना आनंद लेते हो और ये बोलते बोलते महाप्रु रो पड़े महाप्रभु के आंखों से दो बिंदु दो ड्रप आसू के सामने आख से निकल गया तो मतलब क्या महाप्रभ आ सकते हैं नहीं महाप्रु क्यों आंखों से आया आंख आया यह कारण है महाप्रु बोले देखो ऐसे शिवा उसके पुत्र मर गया उसकी चिंता नहीं मैं ऐसे शिवा ठाकुर को छोड़ करके संन्यास लूंगा इसलिए महाप्रभु का आक्रोश से अस्तु प्रभाव हुआ प्रेम का शुरू हुआ फिर वो पुत्र को जगाते हैं पुत्र बोलते महाप्रु बोलते उठो कहाँ जा रहे हो? पुत्र तो मर गया था पुत्र जिंदा हो गया फिर पिताजी है मम्मी है सब खुश हो गए सिर्फ कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ उस समय पुत्र बोलता प्रभु एक कितना सुंदर मौका है आपका कीर्तन आपका भजन साक्षात आप विराजमान है मेरे को यहां से जाने दीजिए ये संसार में कौन किसका पुत्र कौन किसका बाप कौन किसका बेटी कौन किसका भाई कौन किसका किस ये यह के बाद कोई किसी का नहीं इसलिए संसार कैसे है सिर्फ मिथ्या में फंस के पड़े हैं लेकिन प्रभु ऐसे नहीं है जाने दीजिए तो तब देख सकते हो शिवराज ठाकुर स्थिति में रहती है भजन किए तो इसलिए बताते यहाँ पे बोलते यहाँ पे पुत्र मर जाएगा आ? हम देख सकते हैं कभी के भक्ति करने के नाते जैसे हम अनेक उदाहरण है अभिशाप जो कोई मिलता है आशीर्वाद प्राप्त वरदान किस्म प्राप्त होता है अभिशाप नहीं आशीर्वाद है अभिशाप को छोड़ देने का उसमें आशीर्वाद लग देने का गारंटी आशीर्वाद है अगर हम देख सकते जैसे आज जैसे भगवान गौरांग महापुरु जगत में आए क्यों है एक कैसे मुख्य जो सत्य युग में जब वैकुंठ में भगवान की इच्छा हुआ कि मैं थोड़ा अश्वधन करूँ किसके साथन करेंगे तो उनके ही पाशात जय विजय के साथ करेंगे इच्छा हुआ तो जय जो भगवान का भक्त होता है ना तो भक्त की इच्छा को जानते हैं जैसे गुरु और शिष्य शिष्य को ऐसे एक्सपर्ट होना चाहिए गुरु की अंतर की इच्छा को जानना चाहिए जैसे परिवार में पति पत्नी परिवार है बेटा है तो पत्नी जो एक्सपर्ट पत्नी रहता है वो पति का मन की इच्छा को जानना चाहिए या पुत्र रहता है पुत्र को भी बाप की इच्छा को जानना चाहिए या बाप भी पुत्र की इच्छा को जानना चाहिए इसी प्रकार यहाँ पे शिष्य जो होता है गुरु की इच्छा को जानना चाहिए तीन प्रकार चार प्रकार शिष्य शिष्य है उत्तम मध्यम अधम और एक अधम अधमाधम अधम से अधम, अधम। तो बोलते हैं तो क्या हुआ तो तो कैसे उनको जब भगवान विष्णु विराजमान है लक्ष्मी की सेवा कर रही है सात दरवाजे एक दो तीन चार पांच छह सात दरवाजा है जैसे रंगनाथ में सात दरवाजे है रंगजी में दक्षिण भारत में ऐसे ही वैकुंठ जो है ऐसी प्रकार है वैकुंठ में सात दरवाजे है वैकुंठ लक्ष्मी नारायण है अब यहाँ पे सात दरवाजे पहला दरवाजा तीसरा दरवाजा, एक करते करते छह दरवाजे पार हो गया लास्ट दरवाजे में जय विजय खड़े हैं और यहाँ पे ब्रह्मा जी के चार बटे सनक सनंदन सनत कुमार सनातन तो कौन कौन है सनक सनंदन सनत कुमार सनातन चार बच्चे तो ब्रह्मा जी बोले थे बेटे मेरे बेटे संसार सृष्टि करो जनसंख्या वृद्धि करो हर एक पिता माता सोचते मेरे बेटा बड़ा होगा शादी करेगा घर बनाएगा बहू लाएगा मेरे को देखेगा क्या बहू बोलेगा मम्मी सास मैं रहूँगा बूढ़ी बु, बोलेगी मैं रानी बोलूँगा नहीं आजकल का बहू कोई ठिकाना नहीं है घंटी बजाएगा सबका ये एकदम खतरनाक है लेकिन तभी पिता माता को इच्छा होता है कि मेरे बेटा शादी करके संसार में रहे अरे तुम शादी करके खुशी है क्या हाँ कौन पिता माता शादी करके कितना परेशानी में खाली नाम को मात्र बोलेंगे हम खुश नहीं है इसीलिए वहां पे क्या करते ब्रह्मा जी बोले कि शादी करना नहीं नहीं शादी करना नहीं मेरे को हमको बाल ब्रह्मचारी बढ़ना है रहना है इसीलिए अपनी योग शक्ति के द्वारा भगवान की कृपा के, के द्वारा पांच साल बड़े तो गुछा गुछा का रहे बढ़े तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आया गुस्सा से ब्रह्मा जी का भूकुटी से रुद्र उत्पन्न हुआ शिव जी का उत्पन्न हुआ या इसलिए कहा गया नारायण परो देव तस्मा तस्मात जामुख तस्मात भर्व ज्ञान भगवान है उससे ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी से भ्रुक से शिव जी आते शिव जी अजन्मा पहले शिव जी उनके माध्यम से आते हैं तो देख सकते हैं तो उस टाइम क्या होता है जो बोलते नहीं करूंगा तो बोले ठीक है तो वही चार कुमार जब जाते हैं लास्ट दरवाजे पहुंचते ही जय विजय नहीं नहीं तुम कहा तो भक्त है एक निर्विशवादी एक है साकरवादी साकरवादी में निर्विशवादी में दो प्रकार के है एक है, एक है भगवान को रूप को मानते नहीं और एक भगवान लीन होना चाहते और वो कैसे थे वो भगवान की में एक भगवान का पति भगवान के प्रति थोड़ा सा ये था लेकिन इतना नहीं था लेकिन जब किंजल तुलसी मकरंद वायु संत चक्रण अनंत चेसाम तब तो कान का कान ये नाग का माध्यम से भगवान जब झगड़ा होता है चार कुमार और जय विजय नहीं जाने दूंगा किधर से हरे अरे को कौन जाने दूंगा, दूंगा तुम मैंने कैच कर्स जगह तुम्हें रहने का है तुम यहां पे क्यों तुमको रखा है तो विष्णु आते हैं क्या हो गया जैसे बाप बेटा कम बेटा लोग झगड़ा करते बाप आता है कि नहीं क्या हो, क्या हो गया क्या मैं देखता हूँ उसी प्रकार बाप आई विष्णु भगवान क्या हो गया ठीक है ठीक है मेरे ही सबक है गलती हो गया माफ कर दो जो हुआ तो उसके पहले माफी दे दिए माफी जाओ उसको जाने मिल जाएगा तो उस टाइम बोलते असो सुन मिल जाएंगे तो ठीक है जो पता जो चार कुमार को भी में नहीं क्या कर दिया क्योंकि उसके बुद्धि आ गया क्योंकि भगवान के कमल का तुलसी नाक के मंदिर पर भेज किया तो भगवान के हर एक के व्यक्ति को प्रत्येक दिन आने के बाद भगवान की पूजा करने के बाद तुलसी माता को प्रदक्षिणा करना चाहिए तुलसी माता को प्रणाम करना चाहिए तुलसी माता में जल धनना चाहिए और उन कृष्ण कृष्ण जप करना चाहिए इसलिए बताते हैं प्रभु तुलसी बिन तुलसी प्रभु एक नाम बिनु तुलसी बिना तुलसी के भगवान कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं तो तुलसी भगवान का अत्यंत प्रिय है तो वहां पे तुलसी का सुगंधि सुना ना तो भक्त बन गई भक्त बनने का तो सोचिए मैंने गलती कर दिया तो ये भी बोले मेरी गलती हो गया भगवान बोले कोई चिंता नहीं टेंशन मत लो जो होता है मेरी इच्छा था अभी बोलो मीनू अभिशाप दिया हूं तो ठीक है बोलते अगर ब्राह्मण को घर में जाओगे सात जन्म लेना पड़ेगा और असुर खनन में जाओगे तो आपको तीन जन्म ना हम असुर खंडन में जाएंगे जन्म लेंगे जल्दी करके जल्दी जगह पाएंगे इसलिए पहला जन्म क्या बनते हैं क्या जय भर है दूसरा रावण कुंभ करना शिशुपाल बनते हैं इसलिए चौथा जन्म क्या है चौथा स्वीकार किया कि प्रभु आपने आने वाले हैं कलयुग में मेरे को भी आने दीजिए तो वो बनते विचार करो अभिशाप दिया अभिशाप में लाभ हुआ कि नहीं कृष्ण प्रेम को प्राप्ति किया इसलिए अभिशाप वरदान कुछ फर्क नहीं होता इसलिए बताया गया नारायण न ना पर सर नर्थ दर्श नारायण ना का नारा ना भक्त जो है

ब्रह्मा जी का भी पदवी भी नहीं चाहिए कीह्मा जन्म नाही मोरास मैं कीड़ा बनूंगा चलेगा मेरे को ब्रह्मा जी का पद भी नहीं चाहिए तो भक्त को ये सब चीज नहीं चाहिए भक्त को क्या चाहिए श्री भक्ति चाहिए भजन चाहिए सेवा करना चाहिए यहाँ पे नित्यानंद नित्यांतु का माध्यम से हम देख नित्यांतु ने उनका पुत्र को अभिशाप देगा अभिशाप देने के बाद बोलते तीन पुत्र मर जाएगा तो तीन पुत्र मर जाने के बाद क्या होता है फिर इसको चर्चा हम काल का क्लास में करेंगे ठीक है हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे 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 राम हरे राम, तो राम, राम 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 हरे